आगामी 17 अक्टूबर से होगी भागवत कथा। मुख्य यजमान सभासद देवेश शर्मा होंगे। नगर के मंदिर पोड़ाखेड़ा पर होने वाली श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सभासद देवेश शर्मा के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत कथा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य यजमान देवेश शर्मा ने बताया, 17 सितंबर को सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बिलारी नगर के अलावा देहात क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। कलश यात्रा मंदिर गमा देवत से शुरू होकर मंदिर पोड़ाखेड़ा पर पहुंचेगी। इस मौके पर सभासद देवेश शर्मा, मोहनलाल शर्मा, सभासद चेतन चौधरी, उमेश चंद्र शर्मा, दुष्यंत चौहान, पंकज चौहान, पंडित ताराचंद शर्मा, अंकित गुप्ता, मोंटी शर्मा, जय प्रकाश चंद्र, मुकेश चंद्र, पंकज शर्मा, संजीव चौधरी, विजेंद्र सिंह चौहान, आशीष मौजूद रहे। मंदिर पोड़ाखेड़ा पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन आयोजन और कलश यात्रा गमादेवत मंदिर से मेन मार्केट में होती हुई पोड़ाखेड़ा मंदिर पर आकर समाप्त होगी, विश्राम करेगी। उसके बाद प्रतिदिन 17 से लेकर और 23 तक 2 से 6 बजे तक आचार्य श्री शंभु शरण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन होगा। तो मेरी अपने नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से और सभी भक्तगणों से अपील है कि जो मंदिर पोड़ाखेड़ा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और धर्म लाभ कमाएं, क्योंकि इस तरह के आयोजन से लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, लोगों को नई नई सीख मिलती है और लोगों में भक्ति की भावना बढ़ती है। इसे आयोजन को कराने का हमारा उपलक्ष्य मतलब उद्देश्य भी यही है कि जिससे कि लोगों में सद्गुण आए, और जैसे कि कलयुग में लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो भक्ति के रास्ते पर आएँ और ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि तो आचार्य शंभु शरण जी महाराज एक बहुत ही विद्वान आचार्य हैं। उन्होंने पिछले साल भी यहाँ पर बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया था, तो मुझे उम्मीद है कि जो उनके पुराने जिन लोगों ने कथा सुनी है वो तो सब आएंगे आएंगे। बाकी भी सभी लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि ये आयोजन कोई मेरे अकेले का आयोजन नहीं है, सभी नगरवासी इसमें शामिल हैं। मैं सभी से हृदय से अपील करता हूँ कि सभी श्रीमद् भागवत कथा में के आयोजन में शामिल हों और धर्म लाभ कमाएं। जय हिंद।